साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाळ बांधो, पानी पहला पाळ बांधो है, आपणे त्यां बधा ज कहता होय छे। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर, इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है, और जैसे उन्होंने कहा, उनकी किताब प्राप्त कर करके भी YouTube पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है।